हेलो स्टूडेंट, वेलकम। वी हैव डिस्कस्ड एटलीस्ट 5 चैप्टर। द प्रीवियस चैप्टर वॉज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। द न्यू चैप्टर, चैप्टर 6, चेंजेस अराउंड अस, हमारे चारों ओर होने वाले चेंजेस के बारे में। ठीक है, हम हमारी डेली लाइफ की बात करते हैं। वी ऑब्जर्व मैनी चेंजेस अराउंड अस। एग्जाम्पल के तौर पर वेदर का चेंज होना, डे एंड नाइट में चेंज होना, कुकिंग ऑफ फूड, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, बर्निंग ऑफ वुड एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम अपने चारों ओर देखते हैं। और ये सारी चीज़ें क्या होती है, चेंजेस के अंदर कहलाती है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अंडर गोज ए चेंज। इस पूरे संसार की हम बात करें तो ये क्या चल रहा है, एक चेंजिंग प्रोसेस चल रहा है। हम बात करें, एवरी चेंज हैज ए कॉज। स्टार्टिंग की बात करते हैं, एवरी चेंज हैज ए कॉज, एवरी चेंज हैज ए कॉज। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, व्हेन वी बर्न ए कैंडल, कैंडल दैट टाइम मैक्सवेल, जब हम कैंडल को गर्म करते हैं तो वैक्स मेल्ट हो जाती है। नेक्स्ट, जब अपन दूसरी बात करते हैं, इसी के अंदर ही बर्निंग किया कैंडल को, तो ये क्या कहलाया, मेल्टिंग वाला जो पार्ट कहलाया, क्या कहलाया, चेंज कहलाया। और बर्निंग वाला पार्ट क्या कहलाया, कॉज कहलाया। बर्निंग के कारण ही क्या हुआ, वैक्स मेल्ट हुआ। और देखो, सम ऑफ चेंजेस आर नेचुरल इन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम दूसरी बात करें नेक्स्ट, इससे थोड़ा सा अपन और इसी को आपस थोड़ा समझें। हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ चेंज होता जाता है और हमें एहसास भी होता है। हम खाना बनाते, घर पे खाना, मम्मा खाना बनाती है, उस समय चेंज हो रहा है। यूनिवर्स में हर चीज़ के अंदर चेंज हो रहा है, वेदर हो, डे नाइट हो, सब के अंदर। और बिना किसी कॉज के कोई चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या, हमने क्या किया, एक कैंडल को बर्न किया तो उसमें से वैक्स मेल्ट हो गया। तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ, मेल्टिंग वाला पार्ट हो गया ये, ठीक है ना। वैक्स कौन सा पार्ट, मेल्टिंग वाला पार्ट क्या कहलाया, चेंजिंग कहलाया। और किसकी वजह से हुआ, तो ये बर्निंग की वजह से हुआ। क्लियर, हियर मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ चेंज एंड बर्निंग इज इट्स कॉज। ड्यूरिंग ए चेंज देयर अकर्स ए चेंज इन शेप। जैसे हम किसी को जलाएंगे या किसी में चेंजेस कर रहे हैं, किसी भी कारण से कोई चेंज हो रहा है, तो उसके शेप में चेंज हो रहा है, उसकी साइज में चेंज हो रहा है, उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, उसके कलर में चेंज हो रहा है, उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये सारे चेंजेस हमारे सामने देखने को मिलते हैं। सम चेंजेस आर नेचुरल, कुछ कुछ चेंजेस क्या होते हैं, हमारे जो चारों तरफ हो रहे होते हैं। सम ऑफ द चेंजेस अकरिंग अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ हो रहे होते हैं, आर नेचुरल, कुछ तो नेचुरल होते हैं। इनके अंदर ह्यूमन बींग्स का कोई कंट्रोल नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर बारिश का होना, ठीक है ना, जब क्लाउड्स बनते हैं उसमें हमारे ह्यूमन बींग्स का कोई हाथ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर चेंज ऑफ सीजन का चेंज होना, ये हमारे ह्यूमन बींग्स के हाथ में नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर, या राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, बीटिंग ऑफ द हार्ट, ये हमारे हार्ट का पंपिंग होना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। समझ में आया। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हमारे यूनिवर्स में हर चीज़ चेंज हो रही है। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया उसका, कैंडल का चेंज क्या क्या होता है बेटा, शेप। जब चेंजेस हो जाते हैं तो किस किस में चेंज होते हैं, देखो, शेप में चेंज होता है, साइज में हो सकता है, पोजीशन में हो सकता है, कलर में हो सकता है, स्टेट में हो सकता है, इंटरनल या स्ट्रक्चर में, इसमें हो सकता है। और कुछ चेंजेस हमारे चारों तरफ होते हैं, वो नेचुरल होते हैं, उनमें ह्यूमन बींग्स का कोई कंट्रोल नहीं होता। चेंजेस जैसे एग्जाम्पल, चेंज ऑफ सीजन, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, एंड बीटिंग ऑफ द हार्ट, ये सारे चेंजेस होते रहते हैं। सम चेंजेस आर ह्यूमन मेड, कुछ चेंजेस कौन से होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं। दे अकर ड्यू टू ह्यूमन एफर्ट्स, ये किसकी वजह से होता है, ह्यूमन एफर्ट्स की वजह से होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ ऑयल, वीविंग ऑफ क्लॉथ, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन एंड डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, ये सारे ह्यूमन बींग्स की तरफ होते हैं। घर पे हम कोई भी स्वीट बनाते हैं, गुलाब जामुन भी बनाए, वो भी एक चेंजेस का फॉर्मेशन कहलाता है। नेक्स्ट, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस कंटिन्यूसली, हमारे चारों तरफ बहुत ही लार्ज
क्वांटिटी के अंदर, लार्ज नंबर के अंदर क्या हो रहे हैं, प्लेसेस में कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहे हैं। हम इन्हें ग्रुप्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, हम इन्हें इन चेंजेस को, चेंजेस कैन बी ग्रुप्ड, दो ग्रुप में बना दिया, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, द चेंज दैट कैन बी रिवर्स इजीली बाय रिवर्सिंग द कंडीशन टू ऑब्टेन अ सब्सटेंस इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जब कोई भी चेंज किया जाता है, हम उस पर कुछ फोर्स डालकर कुछ किसी भी तरीके से अगर हम उसे चेंज कर रहे हैं और वापस वो अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर अपन ने क्या किया, अपन एक स्प्रिंग लिया, उसको थोड़ा सा सस्पेंड कर दिया और वापस उसको छोड़ा तो उसकी वापस वह उसी पोजिशन में आ गई, सेम पोजिशन में वापस आ जाना। जैसे कि एक स्प्रिंग है और मैंने इसको स्ट्रेच किया तो ये इतनी बड़ी हो गई, वापस छोड़ा तो ये वापस इसमें चली गई। क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं कि द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग वी हैव ऑब्जर्व दैट टाइम इट इज अ रिवर्सिबल चेंज। जैसे हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, उसको छोड़ा तो वापस रिवर्सिबल पार्ट में आ गए। क्लियर, व्हेन वी हीट आइस, एक और एग्जांपल देखो, हमने आइस को हीट किया, वो मेल्ट होकर वाटर में चला गया, वाटर को वापस कूल किया और ठंडा हो गया, वापस उसको फ्रीज किया तो वापस आइस बन गया। हमने वाटर को और ज़्यादा गर्म किया, उसको बॉयल किया तो गैस, या हम उसको कह सकते हैं स्टीम में बदल गया, उसको वापस उसी के ऊपर प्लेट, जब हम गर्म करें उसी के ऊपर ठंडा पानी रखते गए उसी प्लेट में, तो वापस हुआ कुछ क्या, बूंदों में निकलना चला गया, पानी चेंज हो गया। ठीक है, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी बल्ब एंड स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल। आ गया समझ में, रिवर्सिबल हो गया ये, अपन ने रिवर्सिबल पढ़ा, रिवर्सिबल का मतलब होता है वापस पुनः उसी स्थिति में आ जाना जो पहले में था। नेक्स्ट, इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज की बात करते हैं, द चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स इवन बाय चेंज द कंडीशन टू ऑब्टेन ए सब्सटेंस बैक, वापस पुनः पुरानी स्थिति में नहीं आना, किसी भी चीज को पुरानी स्थिति में नहीं आना। एक और एक्टिविटी यहां पर, हमने एक कंटेनर लिया, वार्म मिल्क लिया और एक स्पूनफुल ऑफ कर्ड ले लिया। हमने क्या किया, टेक ए वार्म मिल्क इन ए कंटेनर, मतलब वही किसी भी तपेली में या किसी में भी ले लिया, उसको गर्म कर लिया, ऐड ए स्पूनफुल कर्ड उसमें मिलाया एंड उसको घुमाया थोरोली, चलाते गए उसको गैस पर, ए ग्लास ऑफ प्लेट एंड लीव इट अनडिस्टर्ब, इसको छोड़ दिया। थोड़ी देर हम नोटिस करेंगे 3-4 आवर्स में वह कर्ड में रिवर्स हो गया, बदल गया। क्या हम उस कर्ड को वापस मिल्क में बना सकते हैं, या मिल्क को लिया उसमें थोड़ी सी नींबू की बूंदें डाल दी, गर्म करते हुए वो एकदम फट जाता है, उसका पनीर बन जाता है, क्या उस पनीर से हम वापस दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये इरिवर्सिबल कहलाते हैं, इरिवर्सिबल। इसके दूसरे एग्जांपल्स और क्या होते हैं, बर्निंग पेपर, पेपर को या लकड़ी को जला दिया, उस जलाने के बाद में जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड या उसका जो कोयला बन जाता है, जो राख बन जाती है, जो ऐश बन जाता है, क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं, क्या हम उसे वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते। और एग्जाम्पल देखो, विदरिंग ऑफ रॉक्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग जाना आयरन के अंदर, एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स, आपकी एज बढ़ रही है डे बाई डे, क्या अपनी एज को कोई 10 ईयर्स ओल्ड बच्चा वापस 1 ईयर ओल्ड में कन्वर्ट हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये इरिवर्सिबल चेंज कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। इसको पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन मैं पुटअप करता हूँ जो आपकी बुक के अंदर MCQs है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए और एन नेचुरल चेंजेस। नेचुरल चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर हो सकता है, विदरिंग ऑफ रॉक हो सकता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो सकता है, ये तीनों ही हमारे हो सकते हैं। और सुनो, इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड चेंजेस। ह्यूमन मेड में कौन कौन से हो सकते हैं, क्या सीजन वाला हो सकता है, राइपनिंग फ्रूट हो सकता है, वीविंग क्लॉथ हो सकता है, या फ्लावरिंग इन प्लांट हो सकता है। देखो, सीजन चेंज होगा नहीं, फ्रूट को इंसान राइपिंग नहीं कर सकते हैं, फ्लावरिंग ऑफ इन प्लांट्स में नहीं हो सकता है, तो किस में होगा, वीविंग ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ बनाने में। चेंजेस दैट अकर अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड, यस हम ग्रुप्ड कर सकते हैं, किसमें, दो में, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में। नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आया, इसके रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस आप करना और कमेंट बॉक्स में मुझे डाल देना। हम बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ क्लासिफाइंग चेंजेस डिपेंड्स ऑन वेदर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द चेंज और नॉट। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है क्लासिफाइंग करने का, ए चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस, क्या बोला,
ए चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस नहीं बनता है, इज कॉल्ड ए फिजिकल, क्या कहलाएगा वो, चेंज कहलाएगा। फिजिकल चेंज में क्या होता है, स्टेट में चेंज होता है, साइज में चेंज होता है, शेप में चेंज होता है, सब्सटेंस आर फिजिकल इन नेचर, इन नेचर सो दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंज, नेचर के अंदर होता है। लेट अस कंसिडर सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं किसके, फिजिकल चेंजेज के। आइस सॉलिड होता है, उसको मेल्ट किया वाटर में बदल गया, ठीक है। बोथ आर मेड ऑफ वाटर, दोनों ही मेड वाटर से बने हुए होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से। दस नो न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मेल्टिंग आइस, जब आइस को मेल्ट कर रहे हैं तो नया नहीं बन रहा है हमारे पास में, बिल्कुल भी नया चीज नहीं, आइस नया वाटर या नई चीज नहीं बन रही है, तो हमने इसको क्या कह दिया, फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर टू फॉर्म वाटर इज ए फिजिकल चेंज, क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। टियरिंग ए पेपर, अपने एक पेपर को फाड़ा, कोई नया थोड़ी बना, वो उसको फाड़ा अलग हो गया, बस बात खत्म हो गई, तो ये क्या कहलाए आपका, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, टेम्प्रेरी होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद में केमिकल चेंज, ए चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस हमारे को मिल जाता है, वही दूध से दही का बन जाना, ये केमिकल चेंज कहलाएगा आपका, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन केमिकल चेंजेस आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस, ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल अलग हो जाना। एग्जाम्पल के तौर पर हमने पीस ऑफ पेपर को जलाया, उसको बर्न किया, नया सब्सटेंस क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, उसमें से कुछ वाटर भी उठकर चला गया, फिर उसके अंदर स्मोक रहेगा, फिर कुछ ऐश रहेगा, ये हमारे सामने प्रोडक्ट हो गए। बर्निंग ऑफ पेपर इज ए केमिकल चेंज। When we heat some sugar, हम शुगर को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से ब्लैक सब्सटेंस बनना शुरू हो जाता है, इसे अपन कहते हैं चैरेड शुगर कहते हैं, नया बन गया सब्सटेंस। वाटर गेट्स रिमूव्ड, उस शुगर से वाटर रिमूव्ड हो गया, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के अंदर फॉर्म में बदल गया, वो चला गया वाटर, उस शुगर में से वाटर हट गया। दिस चैरेड शुगर एंड वाटर आर एंटायरली न्यू, ये दोनों ही नए सब्सटेंस हैं। These new chemical substances are formed by the heating of sugar. Sugar को heat करने पर हमारे को जो मिलती है चीज़ें, वो हमारे को जो नया form मिला, चेरी sugar मिला, ये क्या कहलाया, chemical change कहलाया। Chemical change क्या होता है, permanent होते हैं, स्थाई होते हैं, इनको वापस पुनः उसी स्थिति में नहीं लाया सकता। Most of the chemical changes are irreversible. बहुत सारे जो chemical changes होते हैं वह क्या कहलाते हैं, irreversible changes कहलाते हैं। सब मोर एग्जाम्पल आपकी जैसे बुक के अंदर लिखा हुआ एग्जाम्पल्स हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, जर्मिनेशन ऑफ सीड, बर्निंग ऑफ फ्यूल, डाइजेशन ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, ये सारे के सारे आपके केमिकल चेंजेस हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 71 के ऊपर एक टेबल बनी हुई है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इसके अंदर मैं आपको सुना देता हूँ, मैं इस बुक में देखना, इस वाले जो फोर पॉइंट्स हैं, इन फोर पॉइंट्स को आपको लर्न करना है। पैरामीटर्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की बात करते हैं। पैरामीटर्स में फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस मिलेगा, फिजिकल चेंज में क्या हो जाएगा, कोई नया न्यू सब्सटेंस नहीं मिलेगा, जबकि केमिकल चेंज में नया न्यू सब्सटेंस मिलेगा। केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम फॉर बिफोर एंड आफ्टर चेंज। फिजिकल जब चेंज होगा केमिकल वाले पार्ट के अंदर, उसके अंदर क्या होगा बेटा, रिमेन रहेगा, बाद में और पहले जो पहले की स्थिति थी वैसे की वैसी हो जाएगी, जबकि केमिकल चेंज के अंदर क्या हो जाएगा, वो जो सब्सटेंस है कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा और नया सब्सटेंस हमारे सामने आएगा। नेचर ऑफ चेंज, किस तरीके का नेचर होगा, मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर टेम्प्रेरी, बहुत सारे जो फिजिकल चेंजेस में क्या है, टेम्प्रेरी है, कैन ईजिली रिवर्स, उन्हें वापस रिवर्स कर दिया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर परमानेंट, बहुत सारे जो केमिकल चेंजेस हैं कैसे हैं, बिल्कुल परमानेंट है, उनको कभी भी रिवर्स नहीं किया जा सकता। चेंज इन प्रॉपर्टीज, हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसमें क्या चेंजेस होगा, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी फिजिकल चेंज के अंदर, केमिकल चेंज के अंदर फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। स्टूडेंट्स इसके बाद में हम बात करते हैं नो मोर, गो फर्दर ऑन, we will read that, we will discuss the remaining chapter. Which of the following is a natural change? Which of the
फॉलोइंग इज अ नेचुरल चेंज, देयर इज अ क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा नेचुरल चेंज है, विच ऑफ द फॉलोइंग। आई हैव रिटर्न थ्री ऑप्शंस हियर, मीन्स ऑल आर, द आंसर इज ऑल आर नेचुरल चेंजेस। नेचुरल चेंजेस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ऑल आर कॉल्ड नेचुरल चेंजेस। नेचुरल चेंजेस मीन्स अकॉर्डिंग टू द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नेचर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड चेंज, वेदरिंग ऑफ क्लॉथ। वी कैन नॉट से द चेंज ऑफ फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर इज अ ह्यूमन मेड चेंज, वेदरिंग ऑफ रॉक इज अ ह्यूमन मेड चेंज, और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इट्स ऑल्सो अ ह्यूमन मेड चेंज। वी कैन नॉट से, इट इज एब्सोल्यूटली दे ऑल आर बिलोंग्स टू नेचुरल चेंज, एंड ओनली वन थिंग इज हियर, वीविंग क्लॉथ इज आर ह्यूमन मेड, क्लियर। समझ में आ गया यहाँ तक, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चेंजेस दैट अकर अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड, जो हमारे चारों ओर चेंजेस हो रहे हैं उन्हें हम ग्रुप में बना कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला कौन सा हो गया, रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल, कौन सा हो गया, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इन द रिवर्सिबल वी कैन गेट द प्रोडक्ट्स एंड वी कैन यूज द प्रोडक्ट इट अगेन। समझ में आ गई, जैसे वैक्स को, उसको कैंडल को अपन ने मेल्ट किया और उसमें से वैक्स निकली, उस वैक्स को अपन ने वापस यूज़ कर लिया, या स्प्रिंग को अपन ने, वो स्प्रिंग वाला एग्जांपल देखा था, नहीं देखा था, जैसे ये स्प्रिंग है, इसको अपन ने एक्सपेंड किया, ये इतनी हो गई, लेकिन जैसे इसको मैंने वापस छोड़ा तो ये वापस हो गई पोजिशन में आ गई। क्लियर हो गई यहाँ तक, समझ में आ गई, आगे बढ़े नेक्स्ट। और इरिवर्सिबल कौन सा हो गया, जिसमें चेंजेस होने के बाद में हम उसकी वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता। क्या दूध से जब दही बन जाता था हम उसे वापस ओरिजिनल फॉर्म में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। समझ में आ गया तीनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल चेंज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड चेंज, वीविंग क्लॉथ, ठीक है। विच ऑफ द चेंजेस दैट अकर अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड एज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज ब्रिंग बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर किस तरीके का चेंज है, इट इज इरिवर्सिबल चेंज, इट इज इरिवर्सिबल चेंज। कौन सा चेंज हो गया, ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया, क्लियर। इरिवर्सिबल में उस पेपर को हमने जला दिया, हमें क्या मिल गया, उससे ऐश मिला या राख मिली। सो वी विल से हियर दैट बर्निंग ऑफ पेपर इज अ इरिवर्सिबल चेंज। समझ में आएगा यहाँ तक नेक्स्ट। तो हमारे पास में चार क्वेश्चंस हो गए। पहला क्वेश्चन कौन सा हुआ कि दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल चेंज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड चेंज, इट इज वीविंग क्लॉथ, changes that occurs around us can be grouped into reversible and irreversible, what kind of change is burning of paper is it is called irreversible change। samajh mein aa gaya yahan tak, aage badhe next, okay। what happens when an aluminium rod is heated, jaise hi aluminium rod ko hum heat denge to kya hoga, hua it is in expand form mein ho jayegi, wa fail jayegi, clear। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या हो गया, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एल्यूमिनियम रॉड इज हीटेड, इट इज एक्सपेंड, क्या हो जाएगी, ये एक्सपेंड हो जाएगी, फेल जाएगी। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है यहां पर, इफ वी आर बर्निंग अ वुड इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इट इज ऑल्सो ए इरिवर्सिबल चेंज। हो गए क्वेश्चन नंबर फाइव तक। पहला क्वेश्चन क्या था, नेचुरल चेंजेस कौन कौन से हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर, वेदरिंग ऑफ रॉक एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ह्यूमन मेड कौन सा हो गया, वीविंग क्लॉथ, चेंजेस अकर अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड
ग्रुप में हम किस किस में कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड कर दिया, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल। बर्निंग ऑफ पेपर कौन सा हो गया, इररिवर्सिबल। बर्निंग ऑफ कॉल, बर्निंग ऑफ वुड ऑल्सो इररिवर्सिबल। व्हाट हैपेंस, जैसे हम एल्यूमिनियम रोड को गर्म करेंगे तो क्या होगा बेटा, एक्सपेंड हो जाएगा। व्हाट हैपेंस ऑन कूलिंग द स्टीम, जैसे कि ये यहाँ पर भाप जा रही है ऊपर की तरफ, इसको हमने एक प्लेट रखकर, इसको पानी रखकर इसको कूल कर दिया तो क्या हो जाएगी, वापस ये बूंदों में बनना शुरू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, ये चेंज टू वाटर, वाटर में हो जाएगी। और इसका कौन सा स्टेट चेंज हो जाएगा, ये लिक्विड स्टेट में हो जाएगी। कौन से स्टेट में हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में। किसमें, लिक्विड स्टेट में। कूलिंग कर दी, स्टीम है, स्टीम किसमें चेंज हो गई, लिक्विड स्टेट में हो गई। क्लियर हो गई ये चीज, फिजिकल चेंज हो गया एक तरीके से। पढ़ेंगे इसके बारे में भी आगे अपन, एक नया क्वेश्चन है यहाँ पर देखो। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज मेल्टिंग वैक्स, व्हाट टाइप ऑफ चेंजिंग इज मेल्टिंग वैक्स, मेल्टिंग वैक्स कौन से टाइप का चेंज है। तो कौन से टाइप का चेंज है, ये फिजिकल चेंज। कौन से टाइप का हो गया, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल चेंज, ये ऊपर भी आ चुका है राइपनिंग ऑफ फ्रूट वाला, सेम टू सेम ऐसे कैसे यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वी कैन से दैट वी कैन हैव द क्वेश्चंस लाइक इट। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट, दे आई हैव रिटन टू क्वेश्चंस, दे बिलोंग्स टू वन टू टू लाइन्स। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर रिवर्सिबल चेंज, व्हाट आर रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, या क्या होता है। द डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल चेंज इज द चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड इजीली बाय रिवर्सिंग द कंडीशन टू ऑब्टेन अ सब्सटेंस इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। सुने ध्यान से, वापस सुने ध्यान से, कि द चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड इजीली बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस टू ऑब्टेन अ सब्सटेंस इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, इसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाना है, क्या कहलाता है वह, रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट वेज और टू बर्निंग अबाउट चेंज, टू ब्रिंग अबाउट चेंज। वापस सुने क्वेश्चन को, आएगा ये क्वेश्चन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अगले वाले, जब आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा ये। फिर भी एक छोटा सा एक अपन एक यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन, द पॉइंट विल कम इन आर नेक्स्ट पॉइंट्स, वी विल जस्ट डिस्कस हियर ओनली। व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस, चेंजेस में क्या क्या होता है बेटा। सम वेज बाय विच वी कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस आर, किस किस के द्वारा होगा, हीटिंग के द्वारा होगा, कूलिंग के द्वारा होगा, अप्लाइंग प्रेशर के द्वारा होगा, और मिक्सिंग के द्वारा होगा। ये 10 क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आगे के टॉपिक से भी लिए मैंने और कुछ अपन ने जो पढ़ चुके हैं उसमें से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं अपन अब। क्लियर, अपन नेक्स्ट बात करते हैं। बर्निंग ऑफ ए कैंडल इज द केमिकल चेंज, लेकिन मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ए फिजिकल चेंज। क्या कहलाएगा ये, फिजिकल चेंज कहलाएगा। इसके बाद अपनी बुक में एक नया पॉइंट लिखा हुआ है, हाउ टू मेक चेंजेस टेक प्लेस, टेक प्लेस कैसे होते हैं इनके। व्हेन वी हैव स्टडीड मेनी एग्जांपल, हम बहुत सारे एग्जांपल पढ़ चुके हैं, अब उसके बारे में हम जानते हैं। सम वेज बाय विच वी कैन ब्रिंग अबाउट चेंज आर हीटिंग, सम वेज किस किस तरीके से हम ला सकते हैं उनमें चेंजेस, हीट के द्वारा, कूलिंग के द्वारा, अप्लाइंग प्रेशर के द्वारा और मिक्सिंग के द्वारा। सबसे पहले अपन पॉइंट पढ़ते हैं, चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग और कूलिंग। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, हीटिंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीटिंग क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट को अपन हीट करते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो उसमें इफेक्ट हो जाता है अदर वेज की तरह। ठीक है, हीट अफेक्ट्स वेरियस एंड थिंग्स, किस तरीके से चेंजेज होगा। पहला पॉइंट हो गया, चेंजिंग सर्टन थिंग्स बिकम हॉट ऑन हीटिंग एंड कूल ऑन कूलिंग, जब किसी को गर्म करेंगे तो गर्म होगा, ठंडा करेंगे ठंडा हो जाएगा। सर्टन थिंग्स एक्सपेंड, फेल जाएगी ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, जैसे उसे कूल के कॉन्ट्रैक्ट में आएगी वो थोड़ी सिकुड़ जाएगी।
सर्टन थिंग्स चेंज देयर स्टेट, कुछ कुछ तो अपनी स्टेट ही चेंज कर देगी, अपनी अवस्थाएं चेंज कर देगी। सर्टन थिंग्स बिगिन टू बर्न ऑन ईटिंग, कुछ कुछ तो जलना शुरू हो जाएगी। हम बात करते हैं सबसे पहला वाला पॉइंट, इस पर डिस्कस करते हैं। सर्टन थिंग्स बिकम हॉट ऑन हीटिंग एंड कूल ऑन कूलिंग, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो टेम्परेचर हाई होता है, द वाटर राइजेज एंड इट बिकम्स हॉट, वह गर्म हो जाता है। ऑब्जेक्ट बिकम हॉट ऑन हीटिंग, तो पहला ऑब्जेक्ट हो गया गर्म करने पर। इसी तरीके से हमने उस पानी को जब ठंडा करना शुरू किया तो वह ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट बिकम कोल्ड ऑन कूलिंग, द प्रेशर ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग गो ऑन इन नेचुरल एज वेल उसी तरीके से जाता रहेगा जिस तरीके से प्रोसेस हो। तो पहला पॉइंट समझ में आएगा ये वाला। नेक्स्ट, सर्टन थिंग्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट विद ऑन कूलिंग, देर आर मेनी मटेरियल्स दैट एक्सपेंड, उसकी साइज में इंक्रीज हो जाता है ऑन हीटिंग करने पर। एग्जाम्पल के तौर पर मेटल लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम एक्सपेंड, जब उसको गर्म करते हैं तो वो फैलना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, फिक्सिंग ऑफ एन आयरन रिम ऑन ए बुलक कार्ट, एक गाड़ी होती है बैलगाड़ी, उसके पहिए के ऊपर अगर हम एक आयरन का खोल लगाना चाहेंगे तो पहले अपन इसको क्या करेंगे, हीट देंगे। तो जब हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपेंड हो जाएगा और आसानी से लकड़ी के पहिए पर इसको हम फिक्स कर सकते हैं। बुलक कार्ट है वुडन व्हील, दीज वुडन व्हील आर फिटेड विद आयरन रिम टू मेक दैम लास्ट लॉन्गर, द आयरन रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर इन साइज एंड देन द वुडन व्हील द हीटिंग इट एक्सपेंड्स एंड बिकम सम वॉट बिगर साइज, थोड़ी सी बड़ी साइज में बन जाती है। पहले इसको छोटी साइज में लेते हैं, क्लियर, बिल्कुल छोटा लेते हैं और फिर इसको जैसे ही हीट दिया और ये एक्सपेंड हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और फैल जाएगा। क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, ये पॉइंट भी समझ में आ गया। सर्टन थिंग्स चेंज देयर स्टेट, कुछ कुछ अपनी अवस्थाएँ चेंज कर लेती है। वी नो दैट हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, जैसे हमारे पास है, हमने कुछ क्या लिए, आइस के क्यूब्स लिए, ठीक है। आइस क्यूब्स लेने के साथ में हमने क्या किया, इसको एक बॉल में रख दिया, बाउल में, और बाउल में इसको अपन ने क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो ये क्या बन गया, पानी में बन गया। वापस इसी को ठंडा कर दिया अपन ने तो क्या बन गया, उसके अंदर वापस आइस में कन्वर्ट हो गया। इसको वापस गर्म किया तो क्या बन गया, स्टीम बन गया। ये क्या कहलाया आपका, स्टेट चेंज हो जाना, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सर्टन थिंग्स बिगेन टू बर्न ऑन हीटिंग, कुछ कुछ चीज़ें जलना शुरू हो जाती है। व्हेन ए कॉम्स्टिबल सब्सटेंस, जैसे कि कैंडल हो गया, पेपर हो गया, या कॉल हो गया, केरोसिन हो गया, जैसे जैसे हम करें गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, जलना शुरू हो जाएंगे, ये राख में बदलना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं चेंजेज कॉज्ड बाय प्रेशर, प्रेशर के अंदर क्या होगा, जब किसी चीज़ पर अपन प्रेशर डालते हैं किसी काइंड के ऊपर तो क्या होगा, वह अपनी स्थिति चेंज कर, बलून को जब हम फुलाते हैं बहुत तेज हवा के प्रेशर से तो बड़ा हो जाता है। किसी भी स्पंज होता है, जैसे ये स्पंज है, अगर हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से सिकुड़ जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, चेंज इन शेप एंड साइज प्रेशर देने से। ब्लो अ बलून, ऑब्जर्व द चेंज, उसमें जैसे अपने हवा भरी क्या हो जाएगा, साइज में चेंज हो गया। नाउ उसकी हवा निकालो, वापस साइज में चेंज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो बलून डिफ्लेट्स एंड शेप एंड साइज अगेन चेंज। सिमिलरली प्रेस द सॉलिड फ्लफी, जो मैंने अभी बताया जैसे वो स्पंज होता है, उसको अपन ऐसे किया तो क्या हो जाएगा, उस समय तक तो वह छोटा हो जाएगा, जैसे छोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा। क्लियर, ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट, चेंजेज कॉज्ड बाय प्रेशर के अंदर ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट। ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट की बात सुनो, व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन ब्रिटल सब्सटेंस दे ब्रेक, जैसे कि ग्लास है, बिस्किट है, उसको अपन प्रेशर किया तो क्या हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उनके छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे। ये भी समझ में आएंगे अपने को, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट चलते हैं, चेंजेज कॉज्ड बाय मिक्सिंग, व्हेन वी ब्रिंग अबाउट मेनी चेंजेस बाय मिक्सिंग, किसी के द्वारा, किसी एग्जांपल के तौर पे, वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, वाटर के अंदर घुमाया एंड ऑब्टेंड सॉल्ट सॉल्यूशन, तो हमें सॉल्ट सॉल्यूशन मिल गया। इट इज द फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज है क्योंकि इससे वापस पानी से अपन नमक ले सकते हैं। इन द
प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम, ये अपने पढ़ भी चुके हैं. सो वी कैन से इट इज़ द रिवर्सिबल चेंज व्हेन क्विक लाइम इज मिक्स्ड इन द वाटर, इट इज कन्वर्टेड इनटू स्लैग्ड लाइम, कास्टिक चूना बन जाता है, इट इज़ द केमिकल चेंज, इसे अपन चेंज नहीं कर सकते. ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ बेटा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड अंडरस्टूड द चैप्टर एंड गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन. व्हेन यू आर वॉचिंग द वीडियो योर बुक शुड बी विद यू. नाउ सम क्वेश्चंस आर यू, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए, जब किसी भी चेंज कोई चेंज होता है उसमें नया सब्सटेंस हमारे को नहीं मिल रहा है क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज. क्लियर. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कौन सी चीजें इसमें से जो रिवर्स नहीं कहती. मैं चार ऑप्शन बोल रहा हूं, वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, आइसक्रीम टू मेल्ट आइसक्रीम, वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर और ग्रेन टू फ्लोर. तो हम ग्रेन से फ्लोर को हम जब चेंज करें तो वापस उस फ्लोर को हम ग्रेन में चेंज नहीं कर सकते. क्लियर. चेंजेस कैन बी मेड बाय, किसके द्वारा हो सकता है, कूलिंग के द्वारा हो सकता है, हीटिंग के द्वारा हो सकता है, अप्लाइंग प्रेशर के द्वारा हो सकता है. तो तीन क्वेश्चंस मैंने यहाँ डिस्कस किए बेटा. आपके बुक में एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चंस हैं 4 और 5 ये आप करके लाना. चैप्टर के पीछे के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें एमसीक्यूज हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपको करने और शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, वन लाइन आंसर वाले. आई विल ऑल्सो शेयर अ PDF विद द वीडियो, गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन फॉर फर्दर क्वेरी यू मे कॉन्टेक्ट मी. क्लियर. And keep watching the video, share the video with your friends also. Thank you and goodbye.